राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने के कथित प्रयास मामले में बयान दर्ज करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट से वक्त मांगा है। जांच अधिकारी हरिप्रसाद सोमानी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजे नोटिस में बयान दर्ज करने के लिए दिन और समय बताने का आग्रह किया है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए इस खबर पर। रामस्वरूप, तो एसओजी ने नोटिस जारी किया है सीएम और डिप्टी सीएम को, वक्त की मांग की है, क्या कुछ जवाब दोनों की तरफ से इस नोटिस पर आया है? देखिए, नोटिस आज ही पहुंचा है इनके पास में और जो प्रकरण एसओजी में दर्ज किया गया था खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के, जो दो मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लिए गए थे उसमें जो जिन बातों का जिक्र हुआ था उसको वेरीफाई करने के लिए, और पहले भी कुछ मंत्रियों ने भी, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने भी साफ तौर पे कहा था कि बहुत जगह कोशिश हो रही है ऐसी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के जब दो आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको रिमांड पर लिया जा चुका है, तो पूछताछ के लिए एसओजी ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत और डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट है दोनों को नोटिस भिजवाया है। और साफ तौर पर यही कहना है कि उनको नोटिस में ये लैंग्वेज लिखी गई है कि वो समय और दिन बताएं और क्योंकि उनके बयान लेंगे ताकि इस मामले में और अच्छा इनपुट मिल सके। तो दोनों से ही समय और दिन की बताने का, अवगत कराने का आग्रह किया गया है एसओजी के द्वारा। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी अपनी तरफ से जैसी सहूलियत उनको होगी वो समय बताएंगे, दिन बताएंगे, तब एसओजी की जो टीम है, जो एडीएसपी हैं हरिप्रसाद सोमानी वो और उनके नेतृत्व में जो टीम है वो टीम आएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान दर्ज करेगी। जी रामस्वरूप, इस पूरे मामले में जैसा कि आपने बताया दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो दो लोग कौन है और क्या कुछ जानकारी उनके पास से अब तक एसओजी को मिली है? देखिए, एक तो उदयपुर निवासी अशोक है, अशोक सिंह चौहान है, दूसरा ब्यावर का रहने वाला भरत सोमानी है। दोनों ही माइनिंग व्यवसायी हैं। इन दोनों के मोबाइल नंबर पिछले कुछ दिनों से एसओजी ने सर्विलांस पे ले रखे थे और उनमें जो बातचीत का हवाला आया है सामने उसी के आधार पर पूरी ये एफआईआर वो दर्ज की गई है। उसमें जिन जिन विधायकों को नाम लेकर के जो बातचीत का हवाला दिया गया है, जो पैसों के लेन देन की बात की गई है, उसी को लेकर के पुलिस ने, एसओजी ने इन दोनों को आरोपी बनाया है, कल गिरफ्तार किया है और कल देर शाम को ही कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया है। दो दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी, दो दिन का पुलिस रिमांड है और उसके बाद में आगे की तफ्तीश की जाएगी। जी रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।